जी, मुझे एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के लिए मुझे एडवाइस चाहिए। हाँ जैसे बच्चों के लिए भी, मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहती हूँ। नहीं तो HCL टेक ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप जानना चाहते हो, लिया जाए कि नहीं लिया जाए? जी, और जोमेटो में भी एंटर कर सकते हैं क्या अभी? दिल मांगे मोर है भाई, पर मानस जी के पास बहुत ज्यादा जोमेटो के तो चार्ट होंगे नहीं। जी फिर भी मानस जी 75-76 का माल अच्छे खासे रिटर्न्स में हमने बेच दिया, ठीक है, मुनाफा आ गया, फिर जाने का मन कर रहा है जोमेटो में। चार्ट वार्ट पे देख के बता सकते हो क्या आप, क्या अभी बहुत ज्यादा पैटर्न डेवलप हुए नहीं है, छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ देना बेहतर रहेगा आशीष जी, क्योंकि अभी तक बहुत डेवलप नहीं हुए ठीक चार्ट। है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हाँ थोड़ा डेटा चाहिए होता है। लेकिन एक चीज मैं इनको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको जोमेटो लेना है तो उसकी जगह आप अब नौकरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नौकरी के पैटर्न्स बहुत ही बढ़िया है। मैं इन्फोएज की बात कर रहा हूँ। इन्फोएज का जो अगर आप एक जो अगर आप वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे तो वहां पर एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया, अगर आप लाइन चार्ट बनाएंगे तो। अब अगर इस फ्लैग पैटर्न के टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब 7,500 के आते हैं। करंट लेवल से भी 2,000 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। शायद इसमें 12 महीने का समय लगेगा, लेकिन बेहतर रहेगा कि जोमेटो की जगह अब नौकरी पे ध्यान दिया जाए, यहाँ खरीदारी करिए और 4,800 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। वाह, तो जोमैटो में री एंटर करने से अच्छा है इन्फोएज, naukri.com के लिए जो कंपनी जानी जाती है भारती मैडम, वो सबसे बड़ी शेयर होल्डर है जोमैटो की। अगर जोमैटो चलना है तो शायद इन्फोएज को वैसे ही फायदा मिल जाएगा, और इन्फोएज में और फायदा मिलना है वो पॉलिसी बाजार का IPO जो आने वाला है, इन्फोएज को फायदा मिलना है वो naukri.com वगैरह की वेबसाइट जो अच्छा वापस परफॉर्म करना शुरू कर चुकी है। तो अगर जोमैटो की जगह, जोमैटो जैसे स्टॉक पे दाव लगाना है तो मानस जी कह रहे हैं बेहतर विकल्प होगा इन्फोएज के थ्रू जाएं। अच्छा।